हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बाल सही तरह से ग्रो नहीं हो रहे? तो दोस्तों, आपके बाल ग्रो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप ये गलती करते रहते हैं। वो ये कि आप अपने बालों को बाहर से तो मेंटेन कर लेते हैं, यानी इन अ वीक आप अपने बालों को ऑयल लगाते हैं, डीप कंडीशनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बाहर से स्मूथ और नरिश तो हो जाते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे होते। लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बालों का अंदर से ख्याल रखें, क्योंकि बालों की अगर जड़ें मजबूत होंगी तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बाल घने भी हो जाएंगे। इससे हमारे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है कि आपको वो डाइट लेनी है जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पौधा होता है, पौधे को बाहर से तो सूरज की रोशनी मिल रही है, लेकिन उसे पानी और खाद की भी जरूरत है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। इसी तरह बालों की जड़ें मजबूत करने के लिए भी कोई डाइट होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही सिंपल चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें। सो अगर आप अपने बालों की लेंथ चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, आपने ऐसी वीडियोस काफी देखी होंगी जिनमें 3 डेज चैलेंज दिया जाता है कि 3 दिन में बाल बड़े करें, ओवरनाइट बाल लंबे करें, 1 हफ्ते में बाल बड़े करें। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाल इतनी तेजी से ग्रो नहीं करते। बालों को ग्रो करने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं या फिर इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों, बालों की जड़ों को कैसे मजबूती दी जाती है? बालों की जड़ों को मजबूती हम अपनी हेल्दी डाइट से दे सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सिंपली अपने खाने या अपनी डाइट में शामिल कर लें, जिसकी वजह से आपके बाल ना सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी खाना खाएं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीज लाजमी खाएं जिसके अंदर आयरन और प्रोटीन पाया जाए, क्योंकि आपके बालों के लिए आयरन और प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि आपकी स्किन और आपके नाखूनों के लिए भी बहुत बेहतर है। दोस्तों, आयरन और प्रोटीन मीट, फिश, चिकन, पालक और बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स वगैरह में पाया जाता है। दोस्तों, लाजमी नहीं है कि आप डेली बेसिस पर गोश्त और फिश खाएं। आप अंडा खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, इसके अलावा दालों के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इन चीजों पर अमल कर लेते हैं और आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने कि आपके बाल 2 से 3 महीने में काफी लंबे हो जाएंगे और स्ट्रांग भी हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो आपने डेली बेसिस पे करना है वो ये है कि कद्दू के बीज, बादाम और इसके अलावा अलसी, इन तीनों को आपने पीस लेना है और डेली दूध के 1 कप में 1 चम्मच को शामिल कर लें और सिंपली इसको किसी भी टाइम आप दिन में पी सकते हैं। और अगर आप ये ना कर पाए तो सिंपली आप मूंगफलियाँ खाएं, यानी के पीनट्स में प्रोटीन की मिकदार काफी ज्यादा पाई जाती है, जो कि आपकी बालों की हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपने जो करना है वो ये है कि जब आपके बाल बढ़ रहे होते हैं तो 2 मुहें भी हो जाते हैं। दोस्तों, कोशिश किया करें 2 मुहें बालों को काट दें, क्योंकि जब आपका बाल 1 होता है यानी सिंगल बाल, तो वो तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन जब वो 2 मुआ हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता रफ होकर टूट जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। कोशिश करें कि बालों की ट्रिमिंग लाजमी करवाया करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो डाइट बताई है उस पर लाजमी अमल करें, इसका रिजल्ट आप बहुत अच्छा देखेंगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।